और दिल्ली सरकार हर साल पॉल्यूशन को लेकर प्लानिंग करती है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, कई चीजों पर बैन लगा दिया जाता है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट भी समय समय पर चेतावनी देती है, बावजूद इसके जमीन पर इसका खासा असर नहीं दिखता है। दिल्ली सरकार भले दावे करती हो, वो पर्यावरण एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है, इस स्थिति से निपटने के लिए पानी का छिड़काव कर रही है, एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल कर रही है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप जैसे प्रतिबंध भी लागू की गई है, बावजूद इसके पॉल्यूशन की स्थिति गंभीर होती जा रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली में प्रदूषण की मार, आखिर कौन है गुनहगार? दिल्ली में सांसों पर संकट, राजधानी में स्थिति विकट। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को लेकर कई उपाय किए। सबसे पहले दिल्ली में विंटर एक्शन प्लान के तहत प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठाए गए। दूसरा, पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है, जिसकी वजह से पिछली बार की तुलना में इस बार AQI का लेवल 1000 तक नहीं पहुंचा। तीसरा, प्रदूषण की जो मुख्य वजह है वो गर्म तापमान और हवा है, जिसने दिल्ली में लोगों का सांस लेना भी दुश्वार कर दिया है। हवा गंभीर श्रेणी में है, बावजूद इसके आम आदमी पार्टी की सरकार खुद की पीठ थपथपा रही है। दिल्ली सरकार हर साल पॉल्यूशन को लेकर प्लानिंग करती है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, कई चीजों पर बैन लगा दिया जाता है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट भी समय समय पर चेतावनी देती है, बावजूद इसके जमीन पर इसका खासा असर नहीं दिखता है। दिल्ली सरकार भले ही दावे करती है कि जो पर्यावरण एजेंसियों के साथ मिलकर इस स्थिति से निपटने के लिए पानी का छिड़काव कर रही है, एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल कर रही है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि GRAP जैसी प्रतिबंध भी लागू कर रही है, ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे ठंड दस्तक देती है प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो जाती है। दिल्ली में प्रदूषण की बात करें तो इसके लिए कई वजहें जिम्मेदार हैं। पड़ोसी राज्यों में पराली जलाई जाने से दिल्ली में सर्दियों के मौसम में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है। हर साल हरियाणा और पंजाब में पराली जलाई जाती है, पश्चिमी हवाओं की वजह से धुआं दिल्ली की ओर बहता है। ये दिल्ली NCR की वायु गुणवत्ता सूचकांक पर बुरा असर डालता है, जिससे राजधानी में प्रदूषण के स्तर में बेतहाशा बढ़ोतरी होती है। सर्दियों में तापमान कम होने की वजह से दिल्ली में सर्दियों के मौसम में प्रदूषण में बढ़ोतरी होती है। सर्दियों में तापमान कम हो जाता है, जिससे हवा ठंडी और स्थिर हो जाती है। इसके कारण प्रदूषक कण ऊपर नहीं उठ पाते हैं और एटमॉस्फेयर में ही बने रहते हैं, जिससे स्मॉग और प्रदूषण की स्थिति खराब हो जाती है। दिल्ली NCR में गाड़ियों की 30 लाख से ज्यादा संख्या भी प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। दिल्ली NCR में वाहनों की संख्या बहुत ज्यादा है, जिससे भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अन्य प्रदूषक गैसें निकलती हैं, जो प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। उद्योग और निर्माण कार्य भी प्रदूषण में योगदान करते हैं। निर्माण कार्य और कंस्ट्रक्शन साइट से निकलने वाली धूल भी वायु प्रदूषण को बढ़ाने का काम करती है। इसके अलावा बिजली संयंत्रों और उद्योगों से निकलने वाले धुएं का भी असर है, जिससे दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है। दिल्ली में जैसे जैसे सर्दी दस्तक देती है प्रदूषण का स्तर बढ़ता जाता है। बढ़ते प्रदूषण स्तर के बीच पॉलिटिक्स भी परवान चढ़ने लगती है। राजधानी को यहाँ रहने वाले लोगों के लिए गैस चैम्बर बताया जा रहा है, लेकिन उत्तर भारत में भी बुरी तरह से हालात हैं। यह अकेला शहर नहीं है, दुनिया के 5 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में गुरुग्राम,
गाजियाबाद, फरीदाबाद, दिल्ली और नोएडा का नाम शुमार है। ये सभी दिल्ली के 100 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, यानी कि दिल्ली के आसपास की 100 किलोमीटर की हवा बेहद खराब है। इन शहरों में खतरनाक हवा के कणों का स्तर WHO के तय मानकों से कहीं ज्यादा है। हवा में खुले इन विषैले मानकों को पार्टिकुलेट मैटर यानी कि PM2.5 कहा जाता है और ये कण हवा में धूल के कण या धुओं का मिश्रण हो सकते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक माने जाते हैं। प्रदूषण की वजह से स्ट्रोक, दिल का दौरा, डायबिटीज, फेफड़ों का कैंसर या फेफड़ों से संबंधित बीमारी हो सकती है। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था अपने से ज्यादा विकसित और पड़ोसी देश चीन से तालमेल बिठाने की भरसक कोशिश करती है। दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में हो रहे बेतहाशा निर्माण से भी राजधानी और इसके आसपास प्रदूषण में इजाफा हो रहा है और लोगों का स्वच्छ हवा में सांस लेना दूभर हो गया है। आने वाले समय में उम्मीद की जा रही है कि प्रदूषण की स्थिति में सुधार होगा और लोग खुली हवा में सांस ले सकेंगे। निशांत कुमार, न्यूज़ इंडिया।